हेलो दोस्तों एक बार फिर 50 परसेंट फास्ट प्रिपरेशन लिए एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं सेल्फ चंद्र प्रकाश जोशी तो शुरुआत करते हैं अब छठे वीडियो की और ये प्रश्न मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था क्या था प्रश्न याद है अटेम किया था तो शायद ज़्यादा याद रहेगा मैं बार बार बोलता हूँ आप प्लीज़ 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 प्लीज प्रैक्टिस कीजिए देखिए प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना वो आपको यह है कि आपको उससे याद रहता है गलत भी होगा कोई बात नहीं लेकिन आपको याद रहेगा और आपका पर्पज़ है यहाँ गलती करेंगे कोई नहीं एग्ज़ाम में सही होना चाहिए और एग्ज़ाम में सही होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ये प्रश्न पूछा था मैंने दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है और काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है कई बार ये फोटोग्राफ एड करने का फ़ायदा ही होता है कि आसानी से याद रह जाता है कि ये झारखंड में है और इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था पे क्योंकि ये हर बार पूछी जाती है मैंने आपको रिपीट किया है अब ये मैंने लिया है इकोनॉमिक सर्वे से द रेट हाइक एंडिस्टेंट इन्फ्लेशन आल्सो लेड टू द ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर ट्वेंटी आउटलुक अब आपको पता लग गया देखिये क्वेश्चन पूछा है एक दो बार आरबीआई में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिस करता है कौन करता है आई एम एफ करता है द

Of the non financial sector has risen to the most since the global financial crisis. This is the paragraph. The question is what best describes financial contagion? Important term hai, and these kind of terms are also useful when you are writing the descriptive answer. What is financial contagion? Market risk spreading from developed countries to other economies, and you have to always.

नहीं है ये तो फॉर श्योर इट इज नॉट कंटेजियन मार्केट रिस्क में कुछ ऐसा लग रहा है ग्रोथ फोरकास्ट वीकनिंग द मार्केट परफॉर्मेंसेस ये तो ग्रोथ uh, फोरकास्ट की बात उसमें करिए बस अदरवाइज ग्रोथ फोरकास्ट है क्या मार्केट की परफॉर्मेंस वीक होती है ऐसा होता भी नहीं है ओवर इंडेटनेस ऑफ द एडवास इकोनॉमी क्रिएटिंग प्रेशर ऑन ग्लोबल इकोनॉमी सो दिस इज ए लाइन रिटर्न इन अगेन इन दिस पैराग्राफ बट दिस इज नॉट ए कंटेजियन सो कंटेजियन इज मार्केट रिस्क स्प्रेडिंग फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमी ऑल नो व्हाट इज ए कंटेजियस डिजीज सो स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस फ्रॉम वन मार्केट टू अदर मार्केट एक्चुअली दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट बट स्टिल स्टिल इवन इफ द सेम टाइपिंग मिस्टेक इज देयर इन द Exam paper, you can find out which one is the correct option. Again, one more paragraph from economic survey. In the current year, India has also faced the challenges of. I will recommend you if you do not have economic survey summary, you read the summary which is given in the first, first paragraph of every chapter. Hmm? India has also faced the challenges of reigning in inflation that the European strife accentuated measures taken by the government and rbi along with the easing of the more global commodity prices have fallen have finally managed to bring retail inflation below rbi upper tolerance target in number 2022 the question is here again what is rbi's upper tolerance target for retail inflation both simple question if you are studying

policy understanding drove capital into the US market causing the US dollar to appreciate against most currencies. You must have observed this now for the last two years that rupee is depreciating because dollar is appreciating. In fact, there is more appreciation in dollar. This led to the widening of the CAD and increased infl inflationary pressure in the net importing economies. We are also a

मैंने अभी आपको जब ऊपर वाली लाइन पढ़ी तो वहां पर वो एक्सप्लेन किया था जब मैंने बोला नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमीज सो कैड हियर कैड हियर इज व्हाट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये कीवर्ड है यहाँ पे सो कैड इज हियर करेंट अकाउंट डिफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट नॉर्मली कैड मतलब करंट अकाउंट डेफिसिटिटी होता है फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज करेक्ट अबाउट आरबीआई सी बी डी सी अब सी बी डी सी का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन और थोड़ा सा मुश्किल करना हो तो ऐसे उसमें डिटेल पूछ लो इट इज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ फी करेंसी अब फियट करेंसी देख कर डरने का नहीं है बिकॉज टूडे मोस्ट ऑफ द करेंसी ग्लोबली एज पर एज माई नॉलेज एवरी करेंसी इज ए करेंसी जो गोल्ड बैक पूरे अमाउंट में नहीं है इट कैन नेवर बी टर्न बर्न्ड और फिजिकली डैमेज्ड इफ यू नो दैट सी बी डी सी का फुल फॉर्म क्या है क्या है बताइए? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी याद रहेगा सो so, ये कैसे फिर बर्न हो सकती है कैसे टर्न हो सकती है द लाइफ लाइन ऑफ डिजिटल फॉर्म ऑफ द करेंसी विल बी इनडेफिनेट इनडेफिनेट टाइम तक ये रहेगी अभी आया है ना दो हजार रुपए का नोट आरबीआई ने विद्रॉ कर लिया सेइंग की इसकी लाइफ फोर फाइव इयर्स की है जो पूरी हो चुकी है फाइव नहीं तो सेवन चल जाता एट चल जाता बट इसमें तो कोई ऐसा लाइफ होगा नहीं इट विल बी गवर्न बाय सेंट्रल अथॉरिटी रिड्यूसिंग द वॉलिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द अदर डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन ये भी सही लग रहा है अगर आपको समझ में आता है कि सी क्या है और अगर आप इस तरीके से ये बी का डाउनलोड लिया है मैंने अगर आप पढ़ते हैं ना ध्यान से तो सब आपको मिल जाएगा देखिए रिलायंस जनरल बिकम फर्स्ट इंश्योर टू एक्सेप्ट सी बी डी सी टाई एफ इन यस बैंक ये न्यूज आइटम था इसमें से बताया गया कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है उसने ये एक्सेप्ट करना मतलब जो प्रीमियम पेमेंट करते हैं दैट इज एक्सेप्टेड इन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आप इसमें एक्सेप्ट कर सकते हो और उसके लिए होना क्या चाहिए ये बेसिकली ई रूपी है रूपी एक रुपए देखो वन फॉर वन इसकी वैल्यू कितनी होती है एक रुपए के बदले एक करेंसी है सेम वैल्यू क्योंकि आरबीआई आरबीआई का ही है किया है अल्टीमेटली ने इशू किया और इसमें प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं डिजिटल मोड जो आपके पास ई रूपी प्लेटफॉर्म जो है वहां पर कर सकते हैं जिन कस्टमर्स के पास एक एक्टिव ई रूपी वॉलेट है इन एनी बैंक उसमें क्या करेंगे वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो कोड होगा एक क्यूआर कोड होगा सीबीडीसी का जैसे आज हम करते हैं सभी लोग कर रहे हैं गूगल पे से या भारत पे से या पेटीएम से क्यू कोड से और तुरंत आप अपना पेमेंट कर लेंगे ग्रीन पेमेंट का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पेपर इन्वॉल्व नहीं है अब हमने यहाँ पे जो हम हमेशा देते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज में लर्न अलोंग। ये लर्न अलोंग बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर यूर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम बिकॉज आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए इसके पीछे है क्या दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं और फेज टू में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सपोज एक एक पैराग्राफ लिखने को आ गया शॉर्ट आंसर लिखने को आ गया आर द एडवांटेज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ओवर ए नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी तो आप क्या करेंगे इस टाइप के अगर आपको पता होंगे चार पॉइंट जो मैंने अभी क्वेश्चन में पूछे तो आप कर लेंगे हुँ? तो ये सारे ही पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन में पूछे चारों एडवांटेज और ये चारों एडवांटेज आपको समझ में आ रहे हैं तो सही आंसर आपको समझ में आ गया विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड द वर्चुअल करेंसी एज ए लीगल टेंडर एंड बिकेम द फर्स्ट एवर कंट्री टू डू सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एक्चुअल एक्चुअल आया हुआ है फिर भी मैंने क्यों लिया बिकॉज ऐसे पता लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कई बार वो सिंपल होते हैं पुराना है ये न्यूज एक्चुअली 2021 की है अगर आप देखेंगे बट ऐसा नहीं है कि ये अभी रेलिवेंट नहीं है पहला कंट्री तो क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बनाने वाला एल सेवडोरी रहा ना ठीक है एल सेल्वाडोर इज द राइट आंसर हियर हेडलाइन में लिखा हुआ है ओके वर्ल्ड फूड प्राइस 23 किसको मिला इनफैक्ट 22 में भी ये क्वेश्चन आया था वर्ल्ड फूड प्राइस किसको मिला तो यहां पर मैंने ये प्रश्न पूछ दिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है मैं बहुत डिटेल में जा नहीं रहा हूं हेदी कुन वुमेन वर्किंग फॉर 25 इयर्स टू रिस्टोर एग्रीकल्चर इन फॉरमर कॉन्फ्लिक्ट जोन फाउंडिंग रूट्स ऑफ पीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनने क्रिएट की थी तो इनको ये अवॉर्ड मिला और क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड फूड डे कब होता है पता है तो अच्छी बात है नहीं तो फिर पता लगाइए विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वर मस्ट विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अब जैसे ही यहाँ पर आपने वर देखा वज नहीं है ये ठीक है तो एक ऑप्शन तो हो गया गलत ये वाला देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने कई कई बार डिस्कस किया है बीच बीच में बट आपको आना चाहिए राइट तो ये तो नहीं होने वाला है वन ओनली तो नहीं है बट मैं सीधे आंसर पे आ रहा हूँ आप चलते फिरते अगर आजकल यूनियन बैंक के ब्रांच के बाहर कहीं ये लोगो भी देख लोगे ना तो आपको याद रहेगा कि इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया है ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है फिर से बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और अभी अभी क्योंकि भारत ने इसकी 25वीं एनिवर्सरी मनाई है तो इसलिए ये पूछा जा सकता है उन्नीस में 1998 में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीज हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर ए जे अब्दुल कलाम हैं उस समय वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉरी चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या वो इसरो में हेड कर रहे थे दोनों में से एक पोजिशन में होंगे आई थिंक चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे तो इलेवन मे नाइनटीन को हमने ये पोखरण पर टेस्ट किया था ऑपरेशन शक्ति नाम था इसका अच्छा कहीं ये भी क्वेश्चन आ गया आप बोलेंगे आप देखो ऑपरेशन शक्ति इतना पुराना क्यों पूछ लिया भाई पच्चीस साल पहले की बात पूछ ली क्योंकि अभी अभी उसकी पच्चीसवीं वर्षगांठ मनाई गई है तो आप ऐसा ही क्वेश्चन आया था दो तीन साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ गुरु नानक के ऐसा कुछ किसी पे आया था वो उनकी हंड्रेड या वन ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी आर ग्रेड बी में क्वेश्चन आ गया और बाद में बच्चे ऐसा एक या दो क्वेश्चन आया और उस बार ले कमेंट आ रहे बच्चों के अभी तो आर ने हिस्ट्री पूछना शुरू कर दिया तो फिर मैंने उनको न्यूज पेपर का कटिंग निकाल के वो वीडियो होगा पुराना चैनल पे देख सकते हैं दिखाया कि देखो ये हिस्ट्री नहीं पूछा है ये बिकॉज़ डिस्कस तो पढ़ना है आसान तो लग रहा था लेकिन जब ऑप्शन देखे हुए आप तो आपको ये टफ हो जाएगा क्योंकि आपको ये ध्यान होगा कि ओपेक मेंबर क्या है बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज देख के एक टफ हो गया है? इंडोनेशिया आप सोचोगे नहीं होगा और इसका आंसर जो है इसीलिए मुश्किल हो जाता है कि ये इंडोनेशिया भी मेंबर कंट्री है देखिए कैसे है तो पहले तो ये समझ लीजिए थर्टीन है और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और हमको मालूम है पेट्रोलियम दुनिया में एनर्जी का कितना इम्पोर्टेंट सोर्स है आज जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है उसके बाद वो पेट्रोल प्राइस की वजह से पेट्रोलियम प्राइस की वजह से यूरोप परेशान है तो ये 1960 में इनका ये एग्रीमेंट हुआ किसमें ईरान इराक कुवैत, सऊदी अरेबिया वेनेजुएला, फाउंडिंग मेंबर्स थे ऑर्गेनाइजेशन के और इसमें बाद में जुड़े कतर इंडोनेशिया लीबिया, यूएई, अल्जीरिया नाइजीरिया इक्वाडोर गैबोन अंगोला एंड एंडिया इक्वरियलिया एंड कॉन्गो रिपब्लिक इतने ऐड हुए बाद में इक्वाडोर सस्पेंड कर लिया अपनी मेंबरशिप को फिर उसने रीजॉइन किया बट डिसाइडेड टू विदड्रॉ फाइनली इंडोनेशिया सस्पेंडेड इन मेंबरशिप इन दिस रीएक्टिवेटेड अगेन 16 बट डिसाइडेड टू सस्पेंडेड मेंबरशिप वंस मोर एट दिस कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 16 ओ तो गलत हो गया अच्छा गैबनॉन रिटर्मिनेटेड इज मेंबरशिप इन जनवरी हाउ एवर इज रिजॉइन द ऑर्गेनाइजेशन तो भाई आपका ठीक हो गया आंसर इंडोनेशिया है सॉरी मैंने गलती की यहाँ पे इंडोनेशिया इज द राइट आंसर क्योंकि इंडोनेशिया आज की डेट में नहीं है वो आया था लेकिन बीच में चला गया तो अभी केवल थर्टीन मेंबर हैं ये भी एक एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है हुँ? तो बी केयरफुल इन दिस मेरे से गलती हुई है अब लास्ट क्वेश्चन में आप गलती मत करना ये आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम और एक बात को मैं फिर से रिपीट कर लूं कि आप याद रखिए कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट स्कीम पे फेज वन में ठीक ठीक आएंगे ज़्यादा नहीं आएंगे बट दीज स्कीम्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर फेज टू प्रिपरेशन तो आप इसको पढ़ लीजिए पॉज कर लीजिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए गलती होगी कोई बात नहीं जितनी गलती करोगे उतना सीखोगे और उतना आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे अभी तक आपने मॉक टेस्ट कमाने शुरू किए हैं कि नहीं नहीं किए हैं तो कमाइए क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप कमाओगे ही कमाओगे उसके साथ में जो है नॉलेज जो कमाओगे ना उससे एग्जाम निकलेगा थैंक यू पार्टिसिपेट करना आपको सक्सेस जरूर मिलेगी